संविधान रचयिता ज्ञान के प्रतीक और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती के अवसर पर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आगरा के सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बाबा साहब के 128वें जन्मोत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एस के वर्मा प्रबंधक निदेशक रहे। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण समिति के सदस्यों ने भारी संख्या में शिरकत कर बाबा साहेब में आस्था व्यक्त की। भारत भाग्य विधाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संपूर्ण भारत और सब समाज के लिए किए गए अमूल्य कार्यों पर प्रकाश डाला। जूनियर इंजीनियर महेश प्रभाकर ने संगोष्ठी के आयोजन के उद्देश्य की जानकारी दी। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, बाबा साहब की 128वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है, इसमें जो है दक्षिणांचल का पूरा परिवार जो है शामिल होता है और काफ़ी समय से ये जयंती यहाँ पे वर्षों से मनाई जा रही है। देखिए, बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा, बाबा साहब ने किन परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण की, किन परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और उन परिस्थितियों में रहते हुए उन्होंने संपूर्ण समाज के लिए, महिलाओं के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए और जो भी मतलब समाज से कटा हुआ व्यक्ति है उनके लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया, उसमें पूरा प्रकाश डाला जाएगा। देखिए, बाबा साहब तो एक ऐसी शख्सियत हैं कि उनका जनाधार प्रत्येक वर्ष बढ़ता चला जा रहा है। हम ही नहीं मनाते जयंती को, अब पूरे भारतवर्ष में और अब तो विदेशों में भी बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, क्योंकि बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपना जीवन, अपना संपूर्ण जीवन जो है मानव की सेवा में लगाया। वो लोग कहते हैं कि दलितों के मसीहा थे, वो केवल दलितों के ही मसीहा नहीं थे, वो हर ऐसे व्यक्ति के मसीहा थे जो समाज से वंचित है, समाज में अधिकार विहीन है। उन्होंने प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के लिए, जो कमजोर व्यक्ति है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के लिए उन्होंने काम किया। भारत के इकलौते ऐसे विद्वान रहे बाबा साहब ने भारत में ही नहीं विश्व में अपनी योग्यता साबित की। मॉडल भारत का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती समूचे देश में मनाई जाती है और प्रत्येक व्यक्ति उनकी विचारधारा से कुछ ना कुछ सीखना चाहता है। बाबा साहब का जो सपना है, जो हम लोग सब लोग मिलकर पूरा कर रहे हैं, वो यही सपना सब लोगों में, जन जन लोगों में पहुँचाना चाह रहे कि हम सब लोगों में एकता और समानता बनी रहे। ये हमारी लोगों को जो एकता और समानता है, यही सबसे बड़ा मानव वो है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये सब लोगों में जो भागों में बढ़ चुके हैं, बांटा जा रहा है, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ मानव और समानता, सब एक होना चाहिए हर व्यक्ति को, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे कैसी वर्ग का हो, उसको सबको उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको सम्मिलित किया जाए और उसको उसी हिसाब से उसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। ये बाबा साहब के विचार है जो हम सब लोगों में पहुँचाना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखकर देश में समानता की नींव रखी और कमजोर, शोषित और अछूतों के भगवान बन गए। बाबा साहब आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। 7A न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।